राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गहलोत सरकार चुनौती देगी उन नए कृषि कानूनों को जो केंद्र की मोदी सरकार ने बनाए हैं। बिना सभागार में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। सीएम गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार हमेशा किसान के संग खड़ी मिलेगी। गहलोत ने संकेत दिए कि राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि नए कृषि कानून किसान को बर्बाद कर देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े कानूनों के खिलाफ जयपुर के बिरला सभागार में सम्मेलन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना की बजाय किसानों को खत्म करने पर आमदा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार तीन काले कानून क्यों लेकर आई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार को मालूम था कि अभी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बिना किसानों की राय लिए और संसद में बिना बहस का बिल पारित करा दिया। सीएम ने कहा केंद्र की नीयत में खोट था, इसलिए राजस्थान में डिवीजन मांगने के बावजूद वोटिंग नहीं करवाई। कोरोना संकट के बीच ये बिल लाने की क्या जरूरत थी, कोरोना से लोग तकलीफ में है। डोटासरा ने कहा कि भूमि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा।